फ्रॉम न्यूटन स्टडी आई एम मिस्टर पी एन सिंह. माई क्वालिफिकेशन इज एम एस सी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एच टी जैन कॉलेज आरा. आई एम गोइंग टू टीच फिजिक्स ऑफ क्लास टेंथ. टूडे टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक इज रिलेटेड टू चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय थ्री वेज. हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं. फर्स्ट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज डिनोटेड बाई द ग्रीक लेटर म्यू. इट इज डिनोटेड बाई द ग्रीक लेटर म्यू और एन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्रीक लेटर म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है या लेटर एन के द्वारा जो है इसको हम सूचित कर सकते हैं. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मैंने कहने का मतलब ये है कि वैक्यूम में जहां पर एयर भी नहीं हो, ऐसे वैक्यूम के सेंस में एयर को हम लेते हैं, लेकिन जहां पर एयर भी नहीं है वहां पर स्पीड के लाइट और किसी मीडियम में स्पीड के लाइट का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिनोटेड बाई सी. स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज डिनोटेड बाई वी. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रियल डिप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम टू द अपेरेंट डिप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रेशियो ऑफ रियल डिप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम टू द अपेरेंट डिप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सपोज कीजिए कि किसी बाल्टी में जो है पानी रखा हुआ है, वाटर जो है रखा हुआ है. जब वाटर में हम उसके बॉटम को देखते हैं तो उसका बॉटम जो है थोड़ा ए फ्यू सेंटीमीटर एबव रेज अपीयर होता है, मैंने ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है. तो जो बाल्टी का रियल डिप्थ है और जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है उसके रेशियो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. मान लीजिए कि बाल्टी का रियल डिप्थ जो है 10 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर एबव और जो है 2 सेंटीमीटर एबव जो है उसका बॉटम जो है एपियर होता है, प्रतीत होता है, 2 सेंटीमीटर एबव जो है दिखाई देता है. इट मींस 8 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 5
बाई फोर, फाइव बाई फोर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम टू द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जैसे मान लीजिए कि कोई पाउंड भी है, उसमें पानी है, यदि हम ऊपर से देखते हैं तो उसका बॉटम जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है. तो इस प्रकार से उसका जो रियल डीप्थ है और जो अपेरेंट डीप्थ है उसके रेशियो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डीप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम बाई अपेरेंट डीप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम. यदि मान लीजिए कि कोई ग्लास ले लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है और बुक पर जो है हम उसको रखेंगे और ऊपर से हम यदि देखते हैं तो लेटर थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, तो उसका भी जो ग्लास का रियल हाइट होता है और जितना ऊपर लेटर जो है उठा हुआ प्रतीत होता है उसके रेशियो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. इससे जो है रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं. आगे जो है हम टॉपिक में आगे वीडियो में जो है न्यूमेरिकल पर भी इसकी चर्चा करेंगे. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. नाउ आई स्टॉप माई टीचिंग. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक. At last, I say you, if you want to complete your syllabus, if you want to gain knowledge, you must subscribe and like Newton Study. Thank you.